Hey guys, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Bash. So, आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें दो एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाली हूँ, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा डांटना चाहती हूँ। क्यों डांटना चाहती हूँ? क्योंकि ये दोनों वीडियो, ये वाली प्रिस्टले और ये इंजन हाउस वाली, तुम लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं बताया कि वीडियो कैसी लगी। तुमने वीडियो को देखा पर तुमने नीचे कमेंट क्यों नहीं किया? दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने बोला था ना कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि वीडियो कैसा लगा। देखो, इस टाइप के वीडियोस मैं नॉर्मली नहीं बनाती थी, बट मुझे ऐसा लगा कि ये जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग से हैं, थोड़े डिफिकल्ट से हैं, तो अगर मैं तुम्हें पेन कॉपी लेके पढ़ाऊंगी तो क्या फ़ायदा, सब वैसे ही तो पढ़ा रहे हैं और तुम लोग तब भी बोर हो रहे हो। इतने सालों से वही तो पढ़ते आ रहे हो, बट तुम्हें आज भी उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ पर तुम्हें ये ना लगे कि तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बैठे हो। इसीलिए थोड़े से मज़े मस्ती के मूड में मैं तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट्स याद करवाने की कोशिश करती हूँ। तो कुछ बच्चों ने तो नीचे कॉमेंट्स किया ही था, बट मैं चाहती हूँ तुम लोग और भी कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इतने सारे मैं एफर्ट कर रही हूँ, तुम लोगों के बारे में सोच रही हूँ, तो तुम लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट तो करोगे ही ना। तो आज क्या करना है, सबसे पहली बात, इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं, जो कि मैं रिसेंटली 3 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं वो वीडियोस कैसे लग रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जो कॉलेज का ग्रुप है, स्कूल का ग्रुप है, उसमें शेयर करना है, अपनी फेसबुक पे शेयर करना है, इंस्टाग्राम पे शेयर करना है। यू कैन ऑल्सो टैग मी इन द FB एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो, ठीक है। तो चलो अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 2 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, ठीक। अब बात आती है वो 2 एक्सपेरिमेंट हैं कौन कौन से। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो कि दिया था जूलियस वॉन सैक ने, और दूसरा एक्सपेरिमेंट जो कि दिया था T W एंगलमैन ने। तो पहले जो छोटू वाला है जूलियस वॉन सैक का, वो वाला एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। उन्होंने 2 चीज़ें बताई। उन्होंने क्या बताया? एक तो उन्होंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो बनाते हैं ग्लूकोज, और वो जो ग्लूकोज है वो जाके स्टोर होता है इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये पहली बात बताई इन्होंने। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि जो क्लोरोफिल होता है वो लोकेटेड होता है इन द क्लोरोप्लास्ट। बस 2 सिंपल सी चीज़ें इन्होंने बताई। कब बताई? डेट क्या थी? 1854 में। तो इतना सब बच्चों को क्लियर हो गया, पहला एक्सपेरिमेंट खत्म। बात आती है दूसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में, और दूसरा एक्सपेरिमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ध्यान देके पढ़ना। दूसरे एक्सपेरिमेंट में T W एंगलमैन ने क्या किया? उन्होंने एक प्रिज्म का यूज़ किया। तुम सब जानते होंगे ना प्रिज्म में क्या करते हैं। प्रिज्म में हम एक जैसे व्हाइट लाइट डालते हैं और इधर से बहुत सारी प्यारी प्यारी सी अलग अलग कलर की लाइट आती है, तो ये उन्होंने यूज़ किया प्रिज्म का, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने एक एल्गा का यूज़ किया, एल्गा जिसका नाम है क्लैडोफोरा, ठीक। 2 चीज़ें हो गई। उसके अलावा उन्होंने कुछ बैक्टीरियाज का भी यूज़ किया। सो ये सारे कॉम्पोनेंट्स थे जो कि यूज़ किए T W एंगलमैन ने। अब उन्होंने किया क्या? अब देखो, उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने प्लांट रखा क्लैडोफोरा, और क्लैडोफोरा के आसपास क्या थे? सारे बैक्टीरियाज थे। जो तुम्हारी NCERT में लिखा हुआ है ना कि क्लैडोफोरा को सस्पेंशन में रखा गया ये बैक्टीरियाज के, तो इसका मतलब क्या है? सस्पेंशन मतलब कि क्लैडोफोरा तो था ही था, और आसपास क्या थे उसके? एरोबिक बैक्टीरियाज थे। एरोबिक बैक्टीरियाज मतलब कि जिनको अपने जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो वाले बैक्टीरियाज प्रेजेंट थे, ठीक है। तो अभी देखो एंगलमैन ने क्या किया। बेसिकली उन्होंने एक प्रिज्म रखा, एक साइड से व्हाइट लाइट डाली और इधर से निकली बहुत सारी अलग अलग लाइट्स। तो व्हाट ही नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया कि जो रेड और ब्लू कलर वाली लाइट है, रेड और ब्लू, फिर से बोलूं, रेड और ब्लू कलर वाली जो लाइट है वहाँ पर बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया चिपके हुए थे। मतलब उस लाइन में लाइक दिस इज रेड, और रेड के आगे बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया। तो फिर उनको ऐसा लगा कि ये रेड पर और ब्लू पर ही क्यों है। सो व्हाट ही फाउंड कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। मतलब कि जितना रेड और ब्लू लाइट का होता है इसको कहते हैं हम एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और किसी लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी। कहाँ हो रही थी फोटोसिंथेसिस? रेड और ब्लू वाले में, ठीक है। अब बात आती है कि उन्होंने क्लैडोफोरा क्यों रखा। क्लैडोफोरा जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो। एरोबिक बैक्टीरिया क्यों रखे? जिससे कि जो भी एरोबिक बैक्टीरिया को उन्होंने बेसिकली ऐसे यूज किया ये जानने के लिए कि किस स्पेक्ट्रम में किस स्पेक्ट्रम में बेसिकली फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है, उसका ऑप्टिमम क्या है और व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पेक्ट्रम फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये बात बताई किसने, T W एंगलमैन ने। सो आई थिंक तुम्हें ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा, ठीक है। चलो आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन, अदरवाइज आगे से ऐसे वीडियो नहीं बनने वाले, ठीक है। सो चलो बाय बाय।